नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एवेयरनेस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पतंजलि के केश कांति आंवला हेयर ऑयल के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि हमें जो है हाईटेक्स टैबलेट नहीं मिल रही है, हम कहाँ से इसे मंगाएं, ऑनलाइन की लिंक दे दीजिए, या और भी बहुत सारी जो है मेडिसिन जिसका मैं रिव्यू करता हूँ वो आपको नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने सभी मेडिसिन जिसके मैंने रिव्यू किए हैं और जो भी आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, या बॉडी पेन के लिए, या टूथ के लिए, या किसी भी तरीके के, मैंने काफ़ी सारे उसमें जो है सेक्शंस बना के रखे हैं, उस हिसाब से जो है आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है पतंजलि का केश कांति आंवला हेयर ऑयल। मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों बहुत ज़्यादा एक अच्छा हेयर ऑयल है पतंजलि की ओर से, क्योंकि इसमें सिर्फ आंवला ही नहीं है दोस्तों, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों इसमें जो है सूरजमुखी का तेल है, जैतून का भी तेल है, तिल तेल है और आंवला है। तो इसमें दोस्तों इन चार चीज़ का हमें जो है पावर मिल जाता है, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि दोस्तों जैतून का तेल और तिल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सूरजमुखी के बारे में उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मगर इसमें सूरजमुखी के तेल का भी प्रयोग किया गया है। और जैतून का तेल और तिल का तेल जो है दोस्तों वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैतून के तेल से जो है दोस्तों हमारे बाल घने होते हैं, तिल के तेल से भी बाल हमारे घने होते हैं, और दोनों ही तेल से दोस्तों जो है हमारे बालों में चमक आती है और बाल जो है स्मूथ होते हैं। और आंवला इसमें डला हुआ है जिससे जो है दोस्तों आंवले में भी यही गुण पाए जाते हैं, वो हमारे बालों को अच्छे से नरिश करता है, हमारे बालों को स्मूथ करता है, सिल्की करता है, साथ ही साथ जो है हमारे बालों को घना करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है दोस्तों आंवला। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें से जो है दोस्तों अगर आप हेयर फॉल से पीड़ित है तो भी आपको इसमें क्योर मिलेगा। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, दो मुँह बाल हैं आपके, आपके बालों का झड़ना है, तो उससे इसके यूज़ से जो है दोस्तों आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। मैं इसे दोस्तों डेली यूज़ करता हूँ, डेली तौर पे, जैसे कि मैंने इसके पहले भी पतंजलि का केश ऑयल करके जो है आता है उसका रिव्यू किया था। आप उसे जो है ओवरनाइट लगा के सुबह शैम्पू करके धो सकते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों आप हल्का सा जो है ये जो तेल है वो आप अपने बालों में, अगर आप मेन है तो रोज़ हल्का सा जो है ये तेल की मालिश आप हल्के से करिए, इसके बाद जो है आप कंघे वंघे कर लीजिए। आप जो है अगर दोस्तों ये तेल रोज़ लगाते हैं तो जो दोस्तों आपका बालों का झड़ना है वो बिल्कुल भी बंद हो जाता है, और अगर आपका जो स्कैल्प है वो वार्म है तो ये दोस्तों आपके तेल, ये जो तेल है दोस्तों वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका स्कैल्प जो है वो वार्म रहता है तो आंवला जो है दोस्तों वो शीतलता जो है हमारे सर को देता है। अगर आपका सर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो उसके वजह से होने वाले हेयर फॉल को भी दोस्तों जो ये तेल है वो रोकता है। और अगर आपके बाल समय के पूर्व ही सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं तो उसमें भी जी ये है दोस्तों मदद करता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तेल है जिसकी MRP सिर्फ 40 रुपये है, और इसका जो है ये 100 ml में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।